गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ नहाकर और आज मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी पहन ली है। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करना आप लोग। और आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना है, बंद हो चुके इनके स्कूल, तो फिर टाइम था ही मेरे पास, तो मैं सोचा चलो साड़ी पहन लेते हैं। और अभी मेरी आज मेड नहीं आई है, आज वो गायब ना हो बस, क्योंकि आज हम लोग को शाम को कहीं निकलना है, जा रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि वो ना ही गायब हो तो सही, वरना मुझे बर्तन वगैरह धुलने पड़ जाएंगे नहाने के बाद। गाइस, आज के दिन ही हम लोग को निकलना है, शाम को 7 बजे की हमारी ट्रेन है, तो आप लोग ने गेस कर ही लिया होगा, और जिन्हों जिन्होंने नहीं किया है गेस वो लोग आप लोग कर लीजिएगा। खैर, अभी क्या कर रही हूँ, क्या करना है आज, वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में, तो व्लॉग में आप पूरा एंड तक ज़रूर बने रहना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। तो आज तो काफ़ी जल्दी उठ गई थी, एक्साइटमेंट होती है ना कहीं जाने की, तो उसी में नींद ही नहीं मेरी लगी, फिर 5:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी, फिर मैं नहीं सोई, उठी गई थी और सबसे पहले उठ के नहा लिया। मैंने सोचा चलो आज साड़ी वड़ी पहन ली जाए। फिलहाल अभी यहाँ पर बेड में ठीक कर दे रही हूँ, और आज हस्बैंड को ऑफिस जाना है, सैटरडे का आई थिंक ये वीडियो है, सोने जा रही है। बाय बाय। ये क्या कर रही हो यशी? क्या कर रही हो ये? स्लाइड करने जा रही हो क्या? ये देखो भाई, यशी तो यहाँ जमीन में आराम से लेट गई, और आयना बेटा भी उठ गई। गुड मॉर्निंग आयना बेटा, ये लग रही हो बहुत सुंदर। आयना और यशी को भी यहाँ से मैंने बाहर भेजा है, और अभी ये जो गद्दा है ना इसको लेके चलते हैं दूसरे रूम में। ये देखो यार, आयना यशी इतना सारा सामान लेके बैठी है, खा रही है। फोल्डिंग वगैरह अभी वैसे ही रखी हुई है, उसको मैं हटाऊंगी बाद में, अभी फिलहाल ये वाला जो गद्दा है ना इस वाले रूम में बिछा देते हैं। और आयना ने यहाँ पर दूसरी बेडशीट जो है वाइट वाली बिछा रखी है, इसने चेंज कर दी थी, इसका मन था ये वाली बिछाने का, ये काफ़ी दिन से वैसे मैंने नहीं बिछाई थी, तो वाइट वाली ना अच्छी भी लगती है, इसका साइज़ भी काफ़ी सही है, बड़ा है इसका साइज़ तो अच्छे से पूरे में आ भी जाती है। फिलहाल यहाँ पर जो दो, एक सूटकेस और दो बैग हम लोग लेके जाएंगे, तो उस साइड पे सुबह रख दिया, रात में रख दिया था क्योंकि इधर फोल्डिंग डाली थी, फिर सुबह भी हटा दिया है, फोल्डिंग जहाँ रखी जाती वहीं रख दिया है। और यहाँ पर ये कपड़े हैं मेरे, तो इनको मुझे धूप में डालना था, टॉवल वगैरह है, साड़ी थी, ये सब मुझे धूप में डालना था, अच्छे से मैं धूप नहीं लग पाई थी। और यशी का कलेक्शन आप लोग देखिए, कितनी ज़्यादा फ्रूटी की बॉटल इसने इकट्ठी कर रखी हैं, और मैं बोल रही थी चलो अब तुम काउंटिंग करो, काउंटिंग करके रखो और छुपा के जाना कह रही थी, वरना मेरे पापा जो है वो फेंक देंगे बॉटल। मैंने कहा तो छुपा देना, कोई बात नहीं, नहीं फेंक पाएंगे। उसके बाद बस मैं आ गई वहाँ पर किचन में, अभी किचन के काम वगैरह जो हैं वो सब थोड़े बहुत सुबह मैंने कर लिए थे, थोड़े बहुत बचे थे, तो दाल और चावल ना धोने में टाइम लग जाता है काफ़ी, तो धो कर रख गई थी मैं, फिर मैं नहाने गई थी, तो नहा वो दाल और चावल चढ़ा दिए हैं मैंने, जब तक दाल चावल पकेगा तब तक अच्छे से यहाँ पर मैंने मंदिर की साफ सफाई करके पूजा कर लेती हूँ, तो अभी यहाँ पर बस आरती वगैरह करूँगी मैं मंदिर में, और यहाँ पर मंदिर जो है वो साफ हो गया अच्छे से। उसके बाद मैंने कान्हा जी के कपड़े वगैरह चेंज करा करके आरती भी कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, तो जब तक दाल और चावल हो चुका था तो मैंने कुकर हटाया, और अपने लिए यहाँ पर चढ़ा रही हूँ चाय, थोड़ी सी ही, ज़्यादा नहीं, वैसे मुझसे चाय तो ज़्यादा हो ही जाती क्योंकि मैं नाप के नहीं बनाती हूँ, बस आयना यशी का मन होता है तो थोड़ा बहुत पी लेती, नहीं पीनी होती है तो फिर वो वेस्ट ही होती है, क्योंकि चाय एक खट्टा तो मैं 2 बार पी नहीं सकती, और ज़्यादा देर तक चाय रख नहीं सकते, तो वो जाती है वेस्ट, लेकिन मेरी आदत ख़राब है, मैं बना ही लेती हूँ ज़्यादा, इस बात में मेरे को अपने ऊपर कभी कभी बहुत गुस्सा आती है जब चाय ज़्यादा हो जाती है। तो खैर, मैंने यहाँ पर चाय जो है छान दी, और सब्ज़ी जो है वो छौंक दी है, अरवी मैंने कल बॉयल करी थी ना, तो सूखी सब्ज़ी अरवी की बना दी थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैंने हस्बैंड को दिया है खाना, वो रेडी हो गए हैं, तो मैंने इनके फेस पे लगा दिया कैमरा देख करके, ये बहुत ड्रामे करते हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग कैसा कर रहे हैं कैमरा देखने के बाद, वरना तो फिर इनके क्या ही कहने हैं। खाना पीना मेरा बन गया है, मैंने आज अरवी की सूखी सब्जी बनाई, अरहर की दाल, चावल, रोटी, ये सब बन गया। हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं, और चाय मैंने आज पहले बनाकर पी ली है, तो अभी मैं थोड़ी देर एसी में बैठ के आराम करूंगी। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर पंखे की हवा ना इतनी गर्म गर्म लग रही, सोचो अभी सुबह के 9:30 बज रहे तब, अभी दोपहर में आज क्या हाल होने वाला है पता नहीं। खैर, अभी घर का जो थोड़ा बहुत साफ सफाई का काम था वो तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था,
तो बस लेकिन झाड़ू रह गई है, झाड़ू और पोछा रह गया, किचन की सफाई करना है, बाकी बेड वेड तो ठीक हो गया है, हॉल भी ठीक कर दिया था मैंने। बेटा अब आप भी नहा लो, 10 बज गया है। हाँ चलो आप नहाओ, दीदी नहा, हाँ आप और दीदी नहा लो, फिर न्यू ड्रेस पहन लो। हाय ना, और यशी दोनों ही नहा चुकी हैं, तो अब मैंने बोल दिया था इन दोनों को चलो पूजा करो, भगवान के सामने बैठो थोड़ी देर, और बस यहाँ पर आयना जो है वो अब सोच रही है मैं क्या करूँ क्या करूँ, फोन के चक्कर में रहती हैं ये लोग, बट मैं फोन इन्हें देती नहीं हूँ, ये लोग अब अपना खेलेंगी। यशी भी मंदिर में बैठी है, पूजा कर रही है। फ्रेंड्स अभी 11:10 हो रहा है, मुझे ना थोड़ा कोल्ड हो रखा है इसलिए मुझे फीवर जैसा लग रहा है, मेरे बहुत सारे काम भी पड़े हुए बट फीवर मुझे कुछ मन ही नहीं कर रहा है। मैं पहले तो डोलो, पहले तो मैं ये मेडिसिन खा लेती हूँ, फीवर मेरा उतर जाए तो फटाफट काम करें। तो पता नहीं अचानक से मेरी तबीयत खराब लगने लगी, तो मैंने सोचा सारा काम तो ऐसे पड़ा का पड़ा रह जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा फीवर वगैरह लगने लगता है ना तो कुछ काम करने का मेरा मन ही नहीं करता है। फ्रेंड्स अभी 1 बज गया है और अभी तक मैं अपने वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, तो वीडियो एडिट करने में काफी टाइम लग गया, खैर अब जाकर के वीडियो अपलोड हो गई है। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत किचन में मेरा सामान बहुत फैला हुआ है वो सब कर दूँ, बाहर कुछ कपड़े पड़े हैं वो सब फोल्ड करके रखूँ, आज पैकिंग भी करनी है, पैकिंग वैसे मैंने कल ही कर ली थी, थोड़ा बहुत सामान तो रह जाता है लास्ट के लिए, तो वो सब करना है। और बीच में मैंने जब वीडियो एडिट करी थी ना तो बच्चों को खाना खिला दिया था, तो मैं यहाँ पे ये टॉवल वगैरह अब हटा ले रही हूँ, सूख गई है, और साड़ी मैंने पहले ही हटा दी थी क्योंकि उसका कलर साड़ी नहीं सूट था रेड कलर का, मेरे को कंफ्यूजन होती थी कि साड़ी है क्या, क्योंकि अभी तो मतलब वीडियो ये बाद में एडिट कर रही हूँ ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, रेड वाला सूट है यहाँ पर ये, तो फोल्ड करके मैंने रख दिया। अब यहाँ पर दरवाज़ा तो मैं तुरंत बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत गर्म हवा आ जाती है, बहुत तेज मतलब गर्मी जो है ना इस टाइम पे पड़ने लग गई है, और प्रेस वाले जो कपड़े मैंने कल दिए थे ना तो वो आ गए हैं शायद 3 बजे के आसपास भैया दे गए थे, तो यहाँ से कुछ इतने सारे कपड़े तो ले नहीं जाने, तो जो भी नहीं ले जाने हैं वो सब यहाँ पर मैं देख रही थी कि क्या ले जाने वाले हैं, क्या मैं यहीं पर कबर्ड में रखूँ, तो हाफ ऑफ टी शर्ट्स जो थी ना, हाफ ऑफ शर्ट और एक फुल, तो वो मैंने पैकिंग के लिए अलग कर दी थी, और बाकी जो थी वो मैंने रख दी थी इनकी कबर्ड में, और एक सेट इनका वैसे ही बाहर पड़ा हुआ था तो वो मैंने अलमीरा में टांग दिया, अभी वॉशिंग मशीन में डालने कोई मतलब नहीं, अब तो लगनी नहीं है। आप लोग को कल मैंने बताया था ना मैंने कपड़े इनके दिए थे प्रेस के लिए, तो कल तो भैया नहीं दे गए थे, आज अभी दे गए थे, तो रखे हुए थे तब से, तो मैंने अभी जो मुझे कपड़े ले जाने थे वो अलग कर लिए हैं और बाकी इनके कबर्ड में रख दिए हैं। अब चलते हैं लॉबी में, आपको दिखाते हैं कल रात में जो हम लोग सामान लेकर के आए थे ना वो अभी तक टेबल पे पड़ा हुआ है, तो उसको मुझे हटाना है टेबल से, रखना हुआ है, कुछ पैक भी करना है कुछ यहीं रखना है। फिर मैं आई हॉल में, हॉल में देख रही हूँ कितने सारे ग्लासेस, ना जाने इतने सारे ग्लासेस इन लोगों ने यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं, आप काउंट करो घर में हम लोग 3 लोग हैं, ग्लासेस 6-7 से ज़्यादा ही यहाँ पे रखे हुए थे, तो वो सब पहले मैंने हटाए, और ये सारा सामान आया था कल रास्ते में ले जाने के लिए, ये सब मैंने रखा हुआ था, तो कल काफ़ी लेट हो गया था तो फिर इसको मैं पैक वैक नहीं कर पाई थी, मैंने सोचा था जब रास्ते के लिए खाना वगैरह कुछ तो बनाऊंगी तो सब साथ में एक ही जगह पे रख दूंगी, तो इसीलिए ये टेबल पे ही रखा रह गया, और उसके बाद फिर मैंने इसको भी हटाया है वहाँ से, और आज किचन भी नहीं साफ़ हुई थी, सुबह लेट हो गया था थोड़ा बहुत मुझे, जब मैं खाना वाना बनाई थी ना तो उसके बाद लेट हो गया था, तो बहुत सारे बर्तन वगैरह सब बिखरे पड़े थे, तो उसको मैं फटाफट से चलिए स्टैंड में लगाऊं, और घी के डिब्बे थे 2 वो मैंने धुलवाए थे तो अच्छे से उसने धो दिए थे, मुझे लगा पता नहीं मुझे शायद दोबारा धोना पड़ेगा क्योंकि उतना अच्छा काम करती नहीं है मेरी बर्तन वाली मेड, तो फिर ठीक ही धोई थी तो फिर मैंने रख दिया, और यहाँ पर अच्छे से वाइपर करके धो के साफ़ कर दिया है। यशी ये अपनी फ्रूटी वाला जो बॉटल है ना वो मांगने लगी थी, इसी पिंक वाली पॉलिथीन में इसने रख रखा है, तो देखिए आप लोग कैसे ज़मीन में पूरा फैला करके खेल रही थी, और जो ढक्कन है इसके वो अलग बॉक्स में रख रही थी और बाकी बॉटल अलग में रख रही थी, फिर मैंने कहा ऐसे मत करो, और यहाँ पर मैं फिर अपना जो रास्ते के लिए वीडियो थी वो सब सोच रही थी एडिट कर लूँ क्या, क्योंकि पता नहीं वहाँ जाएंगे तो टाइम मिले कि नहीं मिले, ये सब कर रही थी। गाइज अभी 1 घंटे से तो मैं आयना यशी के साथ खूब मस्ती कर रही थी, खेल रहे थे ये लोग, तो मैं भी इन लोग के साथ खेल रही थी, और फोन मेरा लगा था चार्जिंग में, तो अभी 4:15 है और अब मैं जा रही हूँ सब्जी कट कर लेती हूँ, रास्ते में जो मुझे ले जाना है, तो मिक्स वेज बनाऊंगी इस बार पहली बार, हमेशा जीरा आलू बनाती हूँ, तो क्या है कि इस बार मेरा मन है कि मिक्स वेज बनाऊंगी उसके साथ पूड़ी। तो देखिए अभी पूरा रूटीन वाला जो काम था वो सारा तो मेरा हो ही गया है, अब होने लगी रात के
मतलब जो हमें रास्ते में ले जाना खाना, तो सब्जी क्या है कि सिर्फ यही बचा था, शिमला मिर्च और बंद गोभी जो होती है पत्ता गोभी, वो ही बची थी और बाकी कोई सब्जी थी नहीं। तो जीरा आलू मन नहीं था मेरा बनाने का, तो मैंने यही सब्जी सोची कि यही बना लेते हैं। तो थोड़ा सा प्याज और आलू वालू सब ले करके मैं आ गई हॉल में। अब इसको फटाफट से कट करते हैं और इस बार मैं जल्दी बना रही हूँ। वैसे हमेशा मैं 5:30 बजे के बाद ही आसपास ही मैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी में लगती थी, लेकिन इस बार मैंने जल्दी किया है क्योंकि इस बार मैंने पूरा दिन दोपहर में पैकिंग का कोई काम नहीं किया है। पैकिंग का मैंने लास्ट के टाइम के लिए रखा हुआ है, बाकी जो काम है वो मेरे मैं पहले कर ले रही हूँ। तो सब्जी कट करने में आयना ने मेरी थोड़ी हेल्प करी थी और ये सब लेकर के चलिए अब चलते हैं अंदर किचन में। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फैली हुई हैं अभी किचन में, तो ये सब कूड़ा वगैरह जो है ना वो अभी मेरी मेड आएगी बर्तन करने के लिए, 6 बजे आ जाती है, तो उसको मैं दे दूंगी फेंकने के लिए, क्योंकि बाहर डस्टबिन में तो रख के जाएंगे नहीं, बंदर सब फैला जाएंगे और अंदर भी नहीं रख के जा सकते, तो इसीलिए सब अभी वैसे ही रखा हुआ है, वो जब आएगी तो उसको दूंगी। और सब्जी भी बन रही है और पूड़ियाँ फिर मैं इसके बाद निकाल लूँगी और पैक करूँगी। व्लॉग कंटिन्यू होगा कल भी और हम लोग निकल रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा आप।